homes. बाबा हम सभी को कैसा देखना चाहता है कि जो भी हमें देखे हम उसे चलते फिरते फरिश्ते नजर आएं। देखिए बाबा की कितनी श्रेष्ठ इच्छा हमारे लिए है, वैसी श्रेष्ठ इच्छा हम भी स्वयं के लिए निर्धारण कर लें तो जल्दी ही हम वैसे ही बन जाएंगे जैसा बाबा हमें बनाना चाहता है। तो चलते फिरते फरिश्ते अर्थात जो सदा डबल लाइट रहते हों, जिनके चेहरे पे टेंशन की तनिक भी झलक दिखाई न देती हो, जिनका चेहरा सदा खुशी से भरपूर हो, प्योरिटी की दिव्यता जिनके ललाट पर दैदीप्यमान हो, और जो सदा योग युक्त रहते हों, जिनके कदम धरती पर पड़ ही न रहे हों, इसे कहते हैं फरिश्ता स्वरूप, जो यहाँ से पूरी तरह उपराम हो गए हों। तो हम स्वयं को तैयार करें कि हम चलते फिरते फरिश्ते बन जाएं, ताकि लोगों को देखने वालों को ऐसा आभास हो कि हमारे अंग अंग से चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। ये सब होना ही है, क्योंकि अंतिम समय में सभी धर्मात्माओं को हमारे फरिश्ते स्वरूप के द्वारा ही बाबा का दिव्य संदेश प्राप्त होगा। हमारे फरिश्ते स्वरूप द्वारा ही चारों ओर सबको सकाश प्राप्त होगी। इसलिए हमें अपना फरिश्ता स्वरूप बढ़ाते ही चलना है। देह का भान टूटता चले, देह की ओर जो आकर्षण है, अपनी देह में मनुष्य का सबसे अधिक आकर्षण होता है, यह आकर्षण नष्ट होता चले और हम उपराम होते चलें, साथ साथ अभ्यास भी करते रहें कि जैसे हम इस संसार में नहीं हैं, इस संसार से ऊपर हैं, इस संसार का निर्माण हमारे लिए हुआ ही नहीं, ये कलियुगी दुनिया हमारे लिए है ही नहीं, हमारे लिए तो बाबा नया संसार रच रहे हैं, हमारा संसार तो सूक्ष्म लोक है, हमारा संसार तो मूल वतन है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हमें अपनी चलते फिरते भी बना देनी है। तो इसके लिए बहुत सुंदर ज्ञान का चिंतन निरंतर हम रखें, अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए ये भी बहुत आवश्यक है कि हमारे अंदर ज्ञान का चिंतन चलता रहे। इसलिए रोज मुरली सुनने के बाद हम मुरली से दो चार पॉइंट्स अपने साथ ले जाएं, जिनका हम चिंतन करते रहें। चिंतन का अर्थ है उन्हें हम याद करते रहेंगे। तो जिस चीज़ को हम स्मरण करते हैं उसका चिंतन हमारे अंदर स्वतः ही होता रहता है, और इस चिंतन से व्यर्थ की छाया हम तक आ भी नहीं पाएगी, क्योंकि जब हमारा मन दूसरे सुंदर चिंतन में तत्पर रहता है तो व्यर्थ चिंतन की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। हम अपने लक्ष्य को भी इतना मजबूत कर दें कि दूसरों को देखने की हमें आवश्यकता न हो। जैसे कोई विद्यार्थी जिसको बहुत अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, जिसको बहुत श्रेष्ठ पोजीशन लानी होती है, वो संसार की ओर कदापि नहीं देखता है, उसे तो केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की श्रेष्ठ तमन्ना रहती है। हम भी अपने लक्ष्य को बहुत महान बना दें और उस लक्ष्य में इतने मग्न हो जाएं कि हमें और कुछ दिखाई न दे, हमें और कुछ सुनाई न दे, हमें हमारा और कुछ चिंतन रह ही न जाए, फिर देखो हमारी स्थिति कितनी श्रेष्ठ फरिश्ता स्वरूप बनती है। तो आइए आज सारा दिन हम इस संसार से उपराम रहने का अभ्यास करें। ये संसार हमारे लिए नहीं है, चारों ओर के संसार को देखते हुए हम ऊपर देखें, हमारा संसार तो वो है, हमारा संसार तो स्वर्ग है। और अभ्यास करेंगे जैसे मैं आत्मा इस देह में हूँ ही नहीं, मैं तो फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता, और फरिश्ते स्वरूप द्वारा
उड़कर ऊपर जाने का अभ्यास करेंगे। मैं फरिश्ता कभी आकाश में चला गया, कभी भिन्न भिन्न देशों के ऊपर चला गया और वहां जाकर सकाश देने लगा। कभी मैं फरिश्ता सागर के ऊपर चला गया, पूरे जल को पवित्र वाइब्रेशंस देने लगा। और कभी चले गए हम फरिश्ते सूक्ष्म लोक में बाबा के पास, बाबा से शक्तियाँ लेने लगे, बाबा के साथ सैर करने लगा, बाबा के साथ घूमते हुए चारों ओर खुदा दोस्त के रूप में उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। आज सारा दिन हम फरिश्ते स्वरूप के ये भिन्न भिन्न अभ्यास करेंगे। ओम शांति।